हाय गाइस, वेलकम बैक। आप सभी का अपने चैनल पे बहुत ही ज़्यादा स्वागत है। गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे iOS 15.7.8 के अपडेट को। अगर आपने अपने आईफोन्स पे डाउनलोड इंस्टॉल कर लिया है तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ इसके टॉप 7 बैटरी ड्रेन के जो इश्यूज़ हैं उनको आप कैसे फिक्स कर सकते हो इन टॉप 7 टिप्स को यूज़ करके। सो ये जो टिप्स हैं बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं और हर एक आईफोन यूज़र को इन टिप्स के बारे में ज़रूर पता होना चाहिए, क्योंकि आईफोन 7 और आईफोन 6s और आईफोन 7 प्लस आज के टाइम में आपको बैटरी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आपको दे सकते हैं। इसीलिए आपके जो आईफोन की बैटरी जो कैपेसिटी है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है, तो इन सेटिंग्स के बारे में आपको ज़रूर पता होना चाहिए ताकि आपके आईफोन पे कम से कम बैटरी ड्रेन हो और जिसके साथ आपको और भी बढ़िया बैटरी बैकअप देखने को मिले अपने आईफोन्स पे। सो चलिए बिना किसी देरी से शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो सबसे पहले जो सबसे मेन बात है, टिप नंबर 1, कि आपको हमेशा अपने डिवाइस में डार्क मोड को यूज़ करना चाहिए। डार्क मोड को यूज़ करोगे तो आपको ऑटोमेटिकली देखने को मिलेगा कि आपका जो डिवाइस है पहले के मुकाबले आपको और भी बढ़िया बैटरी बैकअप देना शुरू कर दिया है, जिसके साथ आप देख सकते हो डार्क मोड से आपकी स्क्रीन के पिक्सल्स जो हैं वो डार्क हो जाते हैं, ब्लैक हो जाते हैं, जिसके साथ आपका डिवाइस कम से कम बैटरी को कंज्यूम करता है। तो सेकेंडली आपको सेटिंग्स को ओपन करना है और यहाँ पर आपको जनरल पे टैप करना है, बैकग्राउंड ऐप रिफ्रेश के ऊपर टैप करेंगे और यहाँ से आपको बैकग्राउंड ऐप रिफ्रेश को ऑफ कर देना है। ये बैकग्राउंड ऐप रिफ्रेश आपके बैकग्राउंड में एप्लीकेशंस को रिफ्रेश करता रहता है इंटरनेट को यूज़ करके, तो इसलिए आपकी ज़्यादा से ज़्यादा बैटरी खर्च होती है। तो थर्ड नंबर पर आपको कभी भी अपनी एप्लीकेशंस को यहाँ से क्विट नहीं करना चाहिए, रिमूव नहीं करना चाहिए, क्योंकि एप्पल एक ऐसा डिवाइस है जो कि बैकग्राउंड में भी एप्लीकेशंस को बहुत ही बढ़िया तरीके से हैंडल करके रखता है। तो इसके साथ आपके जो एप्लीकेशंस की स्पीड है ओपन करने की वो भी मेंटेन रहेगी और आपकी बैटरी भी कम खर्च होगी। तो फोर्थ नंबर पे आपको हमेशा अपने आईफोन पे बैटरी को चार्ज करने के लिए ऑप्टिमाइज बैटरी चार्जिंग की ऑप्शन को ज़रूर इनेबल करके रखना चाहिए। वो ऑप्शन आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी, बैटरी के सेक्शन के ऊपर टैप करके बैटरी हेल्थ पे जाएंगे और यहाँ पर आपको ऑप्टिमाइज बैटरी चार्जिंग का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। इस ऑप्शन को आपने यहाँ से टर्न ऑन कर देना है। इसको ऑन करने के बाद आपको बैक जाना है, प्राइवेसी के ऊपर टैप करना है और यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी लोकेशन सर्विसेज, इसके ऊपर टैप करके आपको यहाँ पर सिग्निफिकेंट लोकेशन के ऊपर टैप करना है और यहाँ पर आपको सिग्निफिकेंट लोकेशंस को ऑन कर देना है। यहाँ पर सबसे पहले अपने डिवाइस के पासकोड को एंटर करना है और यहाँ से इस लोकेशन को ऑन कर देना है, तभी आपके डिवाइस में ऑप्टिमाइज बैटरी चार्जिंग का ऑप्शन सही से काम करेगा, वरना ये ऑप्शन सही से काम नहीं करेगा। तो फिफ्थ नंबर के ऊपर आपको उन एप्लीकेशंस के लोकेशन को ऑफ करना चाहिए जो आप डे टू डे रूटीन में सबसे ज़्यादा यूज़ करते हो, जिसके साथ उस एप्लीकेशन को यूज़ करने से एप्लीकेशन की ऑन हो जाती है, जिसके साथ आपका आईफोन ज़्यादा से ज़्यादा बैटरी को यूज़ करता है। इसलिए आपको प्राइवेसी के ऊपर टैप करना है, लोकेशन सर्विसेज के ऊपर टैप करके आप एक इंडिविजुअल एप्लीकेशन की लोकेशन को ऑफ कर सकते हो। जैसे कि इंस्टाग्राम मैं डे टू डे रूटीन में सबसे ज़्यादा यूज़ करता हूँ, तो यहाँ पर मैंने इसे नेवर के ऊपर सेटअप करके रखा हुआ है ताकि मेरी जो लोकेशन है इंस्टाग्राम के एप्लीकेशन यूज़ ना करे। इसलिए आपको उन एप्लीकेशंस को सेलेक्ट करके उनको नेवर के ऊपर सेटअप करना है जिनकी आप लोकेशन एक्सेस नहीं करना चाहते वाइल यूजिंग। तो यहाँ पर सिक्स नंबर के ऊपर आपको लो पावर मोड कभी भी ऐसे नहीं यूज़ करना चाहिए कि आपके आईफोन की बैटरी परसेंट जो है वो 30 है 40 है। आपको तभी यूज़ करना चाहिए जबकि क्रिटिकल कंडीशन बन जाती है कि आपके पास बैटरी बहुत ही कम बची है, 5 या 10% रह चुकी है, उस कंडीशन में आप यूज़ कर सकते हो लो पावर मोड को, तो वरना आपको लो पावर मोड को यूज़ नहीं करना चाहिए। सेवन्थ नंबर के ऊपर आपको अपने डिवाइस को चार्ज करने के टाइम कभी भी केस को अप्लाई नहीं करना है। जैसे कि अगर आप बहुत ही ज़्यादा मोटे केस यूज़ करते हो सिलिकॉन के, तो आपको इन केस को यूज़ नहीं करना चाहिए जब आप अपने आईफोन को चार्जिंग के ऊपर सेट करते हो। साथ ही साथ आपको ओरिजिनल केबल्स और ओरिजिनल चार्जर्स को ही यूज़ करना चाहिए जब भी आप अपने डिवाइस को चार्ज करते हो। जैसे ही आप फेक केबल्स और चार्जर्स को यूज़ करोगे तो उसके साथ आपकी बैटरी के ऊपर बहुत ही बुरा असर पड़ता है, इसके साथ आपकी बैटरी लाइफ ज़्यादा से ज़्यादा ड्रॉप होती रहती है, इसीलिए आपको कम से कम बैटरी बैकअप देखने को मिलता है अपने आईफोन्स के ऊपर। इसीलिए इन टिप्स को आप अपनी डे टू डे रूटीन में जब आप फॉलो करोगे तो आपको बहुत ही बढ़िया रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे अपने आईफोन 6s और आईफोन 7 के ऊपर। सो मिलते हैं गाइस अगली वीडियो में। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।